नहीं वो गया कि यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे रास्ता, तो किस तरह आप लोग ने हैंडल किया इसका? तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि इधर इसीलिए जो एग्जिट एक ही किया गया, एंट्री और एग्जिट एक किया गया, आपने देखा होगा चारों तरफ से पूरा पूरा बंद है और सब आरपीएफ और जीआरपी का फुल मैन करने और उनको एग्जिट पे खड़ा करके जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं एक ही जगह से आ रहे जा रहे हैं, उनको हम लोग हैंडल किया इसे। दो तीन जन खड़े थे टेम्परेचर गन लेके और कंटिन्यू कर रहे थे, दिन भर कंटिन्यू कर रहे थे। जो आने वाले यात्रियों को क्या सुविधा दी गई स्टेशन पर? आप लोग जैसे चेकअप कर रहे हो, जैसे जो कुर्सी को 100 के ऊपर हो गया, किसी को 120 हो गया, या तो उनके लिए कोई अगर जनरली क्या होगा जो धुपे से आते ही कभी कभी वो टेम्परेचर ज़्यादा दिखा, तो उनको हम लोग थोड़ा देर ठंडा हवा में बिठा रहे थे फिर रीचेक करो। नॉन कॉन्टैक्ट थर्मल टेम्परेचर चेकिंग जो पेशेंट के
स्किन के ऊपर दबा के नहीं कर सकते, उसको दूर में लगा के करेंगे। वो वायरस की बीमारी नहीं लगनी चाहिए इसलिए हम लोग उसको दूर से करते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट वाली है, तो इस गन से जब टेम्परेचर चेक करने के लिए अगर हम बूथ लगाए हैं ताकि किसी को बुखार है कि नहीं, अगर 100 से ऊपर है तो फिर हम लोग को उसको बोलते हैं कि आगे तुम जाकर डॉक्टर से चेकअप कर लें। तो ये हुआ नॉन कॉन्टैक्ट ह्यूमन टेम्परेचर चेक। तो 3 दिनों से जो बूथ चलाया, पहले दिन, दूसरा दिन कल जो दूसरे दिन थी उसमें दिन अर्ली, आज अर्ली मॉर्निंग तक हम लोगों ने करीब 12,500 लोगों का किया है चेकिंग। जितनी गाड़ियाँ यहाँ से गई सारे लोग घूमा, और अभी आज सुबह से जो स्टार्ट हुआ है अभी तक तीन गाड़ियाँ आ चुकी हैं, करीब 700 लोगों का चेकिंग हो गया है। प्लस इधर के जो स्टाफ है GRP RCF स्टेशन के स्टाफ, मैडम कल देखा गया कि यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे रास्ता, तो किस तरह आप लोग ने हैंडल किया इसका? तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि इधर इसीलिए जो एग्जिट एक ही किया गया, एंट्री और एग्जिट एक किया गया, आपने देखा होगा चारों तरफ से पूरा बंद है और सब RPF और GRP का फुल मैन करने और उनको एग्जिट पे खड़ा करके जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, एक ही जगह से आ रहे जा रहे हैं, उनको हम लोग हैंडल कैसे, 2-3 जन खड़े थे एक टेम्परेचर गन लेके और कंटिन्यू कर रहे थे, दिन भर कंटिन्यू कर रहे थे। जो आने वाले यात्रियों को क्या सुविधा दी गई स्टेशन पर? आप लोग जो जैसे चेकअप कर रहे हो, जैसे जो किसी को 100 के ऊपर हो गया, किसी को 120 हो गया, या तो उनके लिए अगर जनरली क्या होता है जो धूप में से आते ही कभी कभी वो टेम्परेचर ज़्यादा दिखा, तो उनको हम लोग थोड़ा देर ठंडा हवा में बिठा रहे थे फिर रीचेक करते। मुंबई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ऐलान करने के बाद आज मुंबई का जनता कर्फ्यू लागू किया गया है, लेकिन इन रोडों पे सैकड़ों गाड़ियां निकलती थी और ट्रैफिक चलता रहता था, आज इन रोडों के ऊपर सन्नाटा है। इस तरह का मुंबई बंद दिखाई जा रही है। अभी हमने मुंबई टर्मिनल का सर्वे किया जहां सैकड़ों यात्री मुंबई में आने और जाने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन आज मुंबई टर्मिनल पे भी सन्नाटा मिला है। और न ही मुंबई टर्मिनल के अलावा कहीं भी यात्रियों को कोई सुविधा, चेकअप का, मेडिकल का कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। आसिफ अली के साथ फरीद खान की रिपोर्ट।